डीएसआर या फिर डेली सेल्स रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें हम डेली, वीकली, मंथली और ईयरली सेल्स को ट्रैक करते हैं। डीएसआर रिपोर्ट में हम सेल्स के साथ साथ टिकट्स, एपीसी या फिर एपीटी भी ट्रैक करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक डीएसआर रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं ऑफिस फ्रीक। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वही कवर करते हैं। ये एक डीएसआर रिपोर्ट है जो कि मैंने एडवांस में बनाया हुआ है। ये DSR 12 मंथ्स के लिए क्रिएट किया हुआ है मैंने। ये जनवरी का रिपोर्ट है। जब हमें फरवरी का रिपोर्ट चेक करना होगा तो हमें इस बटन पर क्लिक करना होगा और हम फरवरी के मंथ में डाइवर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से मार्च का सेल्स चेक करने के लिए हम मार्च पर क्लिक करेंगे और हम मार्च के सेल्स पर डाइवर्ट हो जाएंगे। जब हमें सेप्टेम्बर का सेल्स चेक करना होगा तो हम सेप्टेम्बर पर क्लिक करेंगे और हम सेप्टेम्बर के मंथ में डाइवर्ट हो जाएंगे। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट या फिर ईयर टू डेट सेल्स रिपोर्ट चेक करने के लिए हम क्लिक करेंगे कंसोलिडेटेड पर और हम कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पर डाइवर्ट हो जाएंगे। हम क्लिक करते हैं जनवरी पर और हम जनवरी के रिपोर्ट में हैं। यहाँ एक छोटा सा डैशबोर्ड मैंने क्रिएट किया हुआ है जहाँ मंथ का नाम होगा, ईयर होगा, स्टार्ट डेट, एंड डेट, टोटल डेज, टोटल सैटरडेज एंड संडेज यहाँ पर होगा। हम यहाँ टोटल सैटरडेज और संडेज इसलिए क्रिएट कर रहे हैं या फिर इसलिए मैंने बनाया हुआ है ताकि हम सैटरडेज और संडेज का सेल्स ट्रैक कर सकें। सैटरडेज और संडेज को सेल्स ज़्यादा होती हैं इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन रखा हुआ है, हाईएस्ट सेल फॉर द डे, लोएस्ट सेल फॉर द डे, टारगेट अचीव्ड, यस और नो। अगर आपका टारगेट अचीव हो जाएगा तो यहाँ यस आ जाएगा और वो ग्रीन में हाईलाइट हो जाएगा। अगर टारगेट अचीव नहीं होगा तो यहाँ पर नो आएगा और ये रेड में हाईलाइट होगा। यहाँ पर सेल्स टिल डेट शो करेगा, एवरेज सेल्स आपका क्या चल रहा है, डाइन इन का सेल्स क्या है, टेक अवे और डिलीवरी का सेल्स क्या है। यहाँ पर टोटल सेल्स है, यहाँ लास्ट ईयर का सेल्स है, मीन्स हम करेंट ईयर के सेल्स को लास्ट ईयर से कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर ग्रोथ है और यहाँ ग्रोथ का परसेंटेज है। अगर ग्रोथ पॉजिटिव फिगर में होगा तो ये ग्रीन होगा और अगर ग्रोथ निगेटिव में होगा यानी कि डिक्लाइन होगा सेल्स में तो ये रेड में हो जाएगा। तो अब हम एक न्यू वर्कशीट ओपन करेंगे और एक न्यू DSR रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे I3 से। सबसे पहले होगा सीरियल नंबर, डेट, डे, डाइन इन सेल्स, डाइन इन टिकट्स, APC/APT, एवरेज पर चेक या फिर एवरेज पर ट्रांजैक्शन और टिकट। इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। एक बार और हम इसे पेस्ट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा टेक अवे सेल्स, टेक अवे टिकट्स, APC और APT। ये हो जाएगा हमारा डिलीवरी सेल्स, डिलीवरी टिकट्स। हम राइट हैंड के साइड आएंगे, टारगेट सेल्स, टोटल टिकट्स। आप टोटल टिकट्स की जगह टोटल ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हैं। इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, APC और APT, टारगेट सेल्स वर्सेस अचीव्ड सेल्स, और ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज, मीन्स टारगेट वर्सेस अचीव्ड का ये परसेंटेज होगा। हम यहाँ क्लिक करेंगे और सारी चीज़ों को हम सेंटर में ले लेंगे और मिड में ले लेंगे। लेफ्ट की तरफ आएंगे, सीरियल नंबर हम फर्स्ट से इंसर्ट करेंगे 31st तक। नीचे की तरफ आएंगे और इसे हम 31st तक कर देंगे। इसे हम सेंटर में ले लेंगे। यहाँ हम एक डेट इंसर्ट करेंगे, इसे हम लेफ्ट में ले लेंगे। हम डेट पर क्लिक करेंगे, माउस को राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स, और हम एक डिज़ायर्ड डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे, डे। डे का फॉर्मूला होगा हमारा प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन वैल्यू, हम फर्स्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, DDD, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और हम एंटर हिट करेंगे। तो यहाँ हमारा डेट आ चुका है। अब हम इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर्स क्रिएट कर देंगे। हम लेफ्ट की तरफ आएंगे, रो साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे, इन सारे चीज़ों को हम मिड में ले लेंगे, कॉलम साइज को हम एडजस्ट कर लेंगे, इन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे और एक कलर इंसर्ट कर देंगे, फॉन्ट कलर को हम चेंज कर लेंगे, डाइन इन सेल्स, डाइन इन टिकट्स, APC, APT, इसका कलर हम चेंज कर लेंगे ताकि डिफ्रेंशिएट करने में हमें आसानी हो।
अब हम लेफ्ट में आएंगे, कॉलम नंबर बी के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, बी फोर पर क्लिक करेंगे और इसे नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे और यहां भी एक कलर इंसर्ट कर देंगे हम। डी थ्री से जी थ्री तक सेलेक्ट करेंगे और यहां भी एक कलर इंसर्ट कर देंगे। D3 से G3 तक सेलेक्ट करेंगे और इसे आपस में मर्ज कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा डैशबोर्ड। फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेंगे और फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर लेंगे। इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट कलर को चेंज कर देंगे। रो नंबर 2 को डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा मंथ, ईयर, स्टार्ट डेट, एंड डेट, टोटल डेज, टोटल सैटरडे, टोटल संडे, हाईएस्ट सेल फॉर द डे। दो सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और इसे आपस में मर्ज कर देंगे। टेक्स्ट को रैप करेंगे, कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे हम, इसे लेफ्ट साइड में ले लेंगे। इसे कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा लोएस्ट सेल फॉर द डे। यहां भी हम दो सेल्स को मर्ज कर लेंगे, इसे कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे। टारगेट अचीव्ड, सेल्स टिल डेट, एवरेज सेल्स, डाइन इन सेल्स, टेक अवे सेल्स, डिलीवरी सेल्स। नीचे की तरफ आएंगे और यहां से लेके यहां तक हम इसे हाईलाइट कर लेंगे। टोटल सेल्स, लास्ट ईयर सेल्स, ग्रोथ। फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे और यहां हम बॉर्डर्स क्रिएट कर लेंगे। कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, इस कॉलम को थोड़ा सा हम क्लोज ले लेंगे और इसे भी क्लोज ले लेंगे, इसे क्लोज ले लेंगे और इसे भी हम क्लोज ले लेंगे। मंथ, मंथ के लिए हम यहां ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। हम क्लिक करेंगे सेल पर, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स। आप चाहें तो यहां कोई लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहां मैनुअली टाइप करूंगा जैन से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद हमें ओके करना है और हमारा यहां ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार है। ईयर के लिए भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। हम जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट और सोर्स में हम ईयर टाइप कर देंगे। 2023, 2024, 2025, 2026। ओके, हमारा यहां ईयर का ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। इसे हम सेंटर में ले लेते हैं, मंथ को भी हम सेंटर में ले लेते हैं। स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट का हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन, डबल इनवर्टेड कॉमा 1, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, एंड मंथ को हम सेलेक्ट करेंगे एंड ईयर को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। इन दोनों डेट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, माउस को राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स, डेट और एक डिजायर्ड डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसे हम सेंटर में ले लेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट डेट इंसर्ट हो चुका है, यानी कि स्टार्ट डेट हमारा इंसर्ट हो चुका है। एंड डेट, एंड डेट का हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू ईओ, ईओ मंथ मींस एंड ऑफ द मंथ, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और हम एंटर हिट करेंगे। तो ये हमारा एंड डेट आ चुका है। जब हम मंथ चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ 1st फेब और 28th ऑफ फेब्रवरी आ चुका है। जब हम इसे सितंबर करते हैं तो ये हमारा सितंबर का स्टार्ट डेट और एंड डेट आ चुका है। फर्स्ट डेट इसे हम डिलीट कर देंगे प्लस या फिर इक्वल टू और यहाँ से हम स्टार्ट डेट को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर हिट करेंगे। सेकेंड डेट, सेकेंड डेट का हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट डेट इज स्मॉलर दैन एंड डेट, फंक्शन FO प्रेस करेंगे और डॉलर इंसर्ट हो जाएगा हमारा, यानी कि सेल हमारा लॉक हो जाएगा, कॉमा, फर्स्ट डेट प्लस 1,
कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ई ओ एम मीन्स एंड ऑफ द मंथ। जिस मंथ में डेज 31 से कम हो हम चाहते हैं कि वहां ई ओ एम नजर आए, जैसे कि फरवरी के मंथ में 28th के बाद ई ओ एम नजर आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर हिट कर देंगे। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, माउस को राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स, डेट और हम एक डिजायर्ड डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। आप गौर करेंगे कि हमारा डेट 1st सितंबर से लेकर 30th सितंबर तक नज़र आ रहा है और 30th के बाद यहाँ ई ओ एम नज़र आ रहा है। जब हम मंथ सेलेक्ट करते हैं जैन, तो हमारा यहाँ 1st से लेकर 31st ऑफ जनवरी तक नज़र आ रहा है। जब हम इसे करेंगे फेब, तो 28th ऑफ फरवरी के बाद यहाँ पर ई ओ एम नज़र आ रहा है। डेज हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। हम व्यू में जाएंगे, शो, और यहाँ से हम ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे। डाइनिंग सेल्स, हम कुछ रैंडम फिगर्स ले लेते हैं। टिकट्स, इसके लिए भी हम रैंडम फिगर्स ले लेंगे। इसे हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और सारे चीज़ को हम सेंटर में ले लेते हैं, मीन सारे फिगर्स को हम सेंटर में ले लेते हैं। होम, सेंटर, एपीसी, हमारा एपीसी का फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाई टिकट्स और ट्रांजेक्शन, एंटर। डेसिमल्स को हम रिमूव कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, जब मैं यहाँ से टिकट्स रिमूव करता हूँ तो हमारा एपीसी या फिर एपीटी में एरर शो कर रहा है। इस एरर को रिमूव करने के लिए हम इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे जस्ट फॉर्मूला के पहले। इफ ब्रैकेट ओपन टिकट्स इज इक्वल टू जीरो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ट्वाइस, डबल इन्वर्टेड कॉमा ट्वाइस मैंने ब्लैंक के लिए इंसर्ट किया है, कॉमा, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। अब हमारा यहाँ ब्लैंक नज़र आ रहा है, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अगर हमारा यहाँ फिगर्स नहीं होगा तो ये हमारा ब्लैंक नज़र आएगा। यहाँ हम कोई फिगर इंसर्ट कर लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। हम इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या फिर कमांड सी, और हम तीनों चैनल्स में इसे पेस्ट कर देंगे। टारगेट सेल्स, हम कुछ रैंडम फिगर्स ले लेंगे। टोटल सेल्स, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्लस या फिर इक्वल टू डाइन इन सेल्स प्लस टेक अवे सेल्स प्लस डिलीवरी सेल्स, और हम एंटर हिट करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। टोटल टिकट्स, हम इसे भी ड्रैग कर लेंगे और हमारा यहाँ फॉर्मूला इंसर्ट हो चुका है। अगर आप इसे मैनुअली इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू डाइन इन टिकट्स प्लस टेक अवे टिकट्स प्लस डिलीवरी टिकट्स, एंटर, और ये हमारा सेम वैल्यू नज़र आ रहा है। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा सेम फॉर्मूला यहाँ भी इंसर्टेड है, एपीसी या फिर एपीटी, हम इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ हमारा जो फॉर्मूला इंसर्ट हुआ है वो है V3 मीन्स टोटल सेल्स डिवाइडेड बाई W3 मीन्स टोटल सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल टिकट्स। तो ये हमारा हो चुका है। टारगेट वर्सेस अचीव्ड प्लस टारगेट सेल्स माइनस अचीव्ड सेल्स या फिर टोटल सेल्स, एंटर। इन केस आप टोटल सेल्स को टारगेट सेल्स से माइनस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, प्लस टोटल सेल्स माइनस टारगेट सेल्स, एंटर। और यहाँ हमारा वैल्यू माइनस में या फिर निगेटिव में नज़र आ रहा है, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। परसेंटेज, इसे हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, टॉप पर जाएंगे और परसेंट का जो आइकन है वहां पर हम क्लिक कर देंगे। यहां हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टारगेट सेल्स, एंटर। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। यानी हमारा जो टारगेट था उसका हमने सिर्फ 15% ही अचीव किया। लेफ्ट की तरफ आएंगे, टोटल डेज, हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, हम सेलेक्ट करेंगे डेट को यानी कि 1st से लेकर 31st को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। इन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे और सेंटर में ले लेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ टोटल डेज 28 शो कर रहा है क्योंकि ये फेब का मंथ है। जब हम इसे जैन करेंगे तो ये हमारा 31 डेज हो चुका है। टोटल सैटरडे प्लस या फिर इक्वल टू काउंट इफ
ब्रैकेट ओपन, रेंज हमारा रेंज होगा ये, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा एस ए टी मीन सैटरडे, हम यहाँ सैटरडे को काउंट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। टोटल संडे हम यहाँ भी काउंटिफ का फॉर्मूला या फिर फंक्शन यूज करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, डेज को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा एस यू एन संडे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और हम एंटर हिट करेंगे। तो हमारा यहाँ 4 सैटरडे और 5 संडे आ चुका है। जब हमारा मंथ चेंज होगा, हम जुलाई सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 5 सैटरडे और 5 संडे हमारा हो चुका है, हम इसे जान रखते हैं। हाईएस्ट सेल फॉर द डे प्लस या फिर इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, हम जाएंगे एक्सट्रीम राइट में, यहां से हम टोटल सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर हिट कर देंगे। तो ये हमारा हाईएस्ट सेल फॉर द डे आ चुका है। लोएस्ट सेल फॉर द डे प्लस या फिर इक्वल टू मिन मीन्स मिनिमम ब्रैकेट ओपन, हम फिर से जाएंगे टोटल सेल्स में और इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर हिट कर देंगे। तो हमारा यहाँ मिनिमम सेल्स फॉर द डे आ चुका है। हमने सभी जगह सेल्स फिगर सेम लिया हुआ है, इसलिए यहाँ हाईएस्ट और लोएस्ट सेम नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ टोटल सेल्स और टोटल ट्रांजैक्शन के लिए फॉर्मूला इंसर्ट कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला होगा सम का, या फिर हम टॉप पे जाके यहाँ से सम पे क्लिक कर सकते हैं, और ये हमारा टोटल ऐड हो चुका है। अगर हम शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो ऑल्ट इक्वल टू हम प्रेस कर सकते हैं और हमारा यहाँ पर सम हो जाएगा। इसे हम सेंटर में ले लेते हैं और एक कलर इंसर्ट कर लेते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम इसे एंड तक ड्रैग कर देंगे। एपीसी या फिर एपीटी के सम टोटल की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। जहाँ जहाँ एपीसी या एपीटी में सम टोटल शो कर रहा है, हम उसे डिलीट कर देंगे। हमें बेसिकली सेल्स और ट्रांजैक्शन का ही टोटल चाहिए। हम यहाँ ब्रैकेट या फिर बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, कलर दे देंगे और हम इसे आपस में मर्ज कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा टोटल। रो साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इसे हम सेंटर में ले लेते हैं। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा और बॉर्डर दे देते हैं या फिर बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं। टारगेट अचीव्ड हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, हम जाएंगे एक्सट्रीम राइट में, इफ ब्रैकेट ओपन टोटल सेल्स इज ग्रेटर देन टारगेट सेल्स कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा यस कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा नो डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अगर हमारा सेल्स टारगेट अचीव हो जाए तो यहाँ पर यस हो, अदरवाइज यहाँ पर नो नजर आए। मीन्स टोटल अचीव सेल्स जब टारगेट सेल्स से ज़्यादा हो तो यहाँ पर यस आए, अदरवाइज यहाँ पर नो आए। अब हम एंटर हिट करेंगे तो हमारा यहाँ पर नो नज़र आ रहा है। हम नो पर क्लिक करेंगे, जाएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, हम यहाँ टाइप करेंगे नो और रेड कलर को छोड़ देंगे। ओके हम फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, हम यहाँ टाइप करेंगे यस और यहाँ से हम ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके तो जब भी हमारा सेल्स टारगेट अचीव होगा यहाँ पर यस नज़र आएगा, अदरवाइज हमारा यहाँ नो नज़र आएगा। हम यहाँ एक बड़ा अमाउंट इंसर्ट करके देख लेते हैं, एंटर। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर यस हो चुका है। इसे हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, यानी कि अंडू कर देते हैं। सेल्स टिल डेट प्लस या फिर इक्वल टू, हम राइट साइड की तरफ आएंगे, टोटल सेल्स पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर सेल्स टिल डेट आ चुका है। एवरेज सेल्स प्लस या फिर इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, हम राइट में आएंगे और सेल्स को फर्स्ट से लेके लास्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। यहाँ हम फॉर्मूला के जस्ट पहले इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे। इफ एरर ब्रैकेट ओपन एंड में आएंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज और हम एंटर हिट करेंगे। डाइन इन सेल्स
प्लस या फिर इक्वल टू, यहां से हम डाइनिंग सेल्स के फिगर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर हिट करेंगे, टेक अवे सेल्स प्लस या फिर इक्वल टू, टेक अवे के सेल्स के टोटल को हम सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, डिलीवरी सेल्स प्लस या फिर इक्वल टू, डिलीवरी सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, मीन्स टोटल ऑफ डिलीवरी सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर हिट करेंगे, टोटल सेल्स हमारा हो जाएगा प्लस या फिर इक्वल टू दिस, मीन्स डाइनिंग सेल्स प्लस टेक अवे सेल्स प्लस डिलीवरी सेल्स, और हम एंटर हिट करेंगे। लास्ट ईयर सेल्स हम एक रैंडम फिगर ले लेते हैं 75,000। हमें यहाँ ग्रोथ शो करना है कि हमारा सेल्स इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्लस या फिर इक्वल टू प्रेजेंट सेल्स माइनस पास्ट सेल्स, और हम एंटर हिट करेंगे। हम इसे सेंटर में ले लेंगे और हम फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पर लॉस हुआ है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर क्रिएट कर देंगे, इसे हम थोड़ा सा क्लोज ले लेते हैं, यहाँ भी हम कलर इंसर्ट कर लेते हैं। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसका हम कलर चेंज कर देंगे ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, कोई लाइट सा हम शेड दे देंगे यहाँ, और फॉन्ट कलर को हम चेंज कर लेंगे, इसे हम बोल्ड कर लेंगे। हम यहाँ क्लिक करते हैं ग्रोथ पर, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर दैन ज़ीरो, जब ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो यहाँ पर हमारा ग्रीन हो जाए, ओके। हम फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, लेस दैन ज़ीरो, जब लेस दैन ज़ीरो हो तो यहाँ पर रेड हो जाए, ओके। तो ये हमारा हाईलाइट हो चुका है। तो हमारा ये DSR या फिर डेली सेल्स रिपोर्ट 1 मंथ के लिए क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर बटन्स क्रिएट करेंगे डिफरेंट मंथ्स के लिए या फिर वेरियस मंथ्स के लिए। एक बार हमारे बटन्स क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद हम 12 शीट्स क्रिएट करेंगे फॉर 12 मंथ्स और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाएंगे। हम जाएंगे इंसर्ट में, इलस्ट्रेशंस, शेप, और हम यहाँ से एक डिजायर्ड शेप सेलेक्ट कर लेंगे। हम इसके कलर को चेंज कर लेंगे, हम इसे रेड कर देते हैं। होम में जाएंगे और फॉन्ट को हम वाइट कर लेते हैं, फॉन्ट स्टाइल को भी हम चेंज कर लेंगे, इसे हम छोटा कर लेंगे। इसे हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी या फिर कमांड सी और हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसे हम रिसाइज कर लेंगे, इसके कलर को हम चेंज कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा मंथ, इसे हम सेंटर में ले लेंगे और मिड में ले लेंगे। फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ क्लिक करके हम सारी चीज़ों को सेंटर और मिड में ले लेंगे। हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसे हम नीचे ड्रैग कर लेंगे। ये हम टोटल 13 क्रिएट करने वाले हैं, 12 मंथ्स के लिए और एक कंसोलिडेटेड के लिए। आप चाहें तो इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, च्वाइस टोटली आपकी है। हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमें इसे रिसाइज करना होगा। हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और सभी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप कमांड प्रेस करके सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस को राइट क्लिक करेंगे और इसे हम ग्रुप कर लेंगे। हमने इसे ग्रुप इसलिए किया है ताकि हम सबको एक साथ रिसाइज कर सकें। अब हम इसे अनग्रुप कर लेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल और इसे हम ड्रैग कर लेंगे। हम इसे एक बार और ड्रैग कर लेंगे, इसके साइज को हम इंक्रीज कर लेंगे ताकि ये हमारा कंसोलिडेटेड के लिए हो जाए। सबको सेलेक्ट कर लेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, अरेंज, अलाइन, और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर लेंगे। तो ये हमारा अलाइनमेंट हो चुका है। अब हम यहाँ जैन से लेकर दिसंबर तक मैनुअली टाइप कर देंगे। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, आपस में मर्ज कर देंगे, फॉन्ट कलर को चेंज करेंगे ब्लू, फॉन्ट कलर को इंक्रीज कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा डेली सेल्स रिपोर्ट। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, सेंटर में ले लेंगे, डन। ये हमारा हो चुका है। हम एक न्यू टैब इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे मंथ, हम यहाँ टाइप करेंगे जैन,
और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे, यानी कि दिसंबर तक हम इसे ड्रैग कर देंगे। दिसंबर के बाद हम लिखेंगे कंसोलिडेटेड। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे इंसर्ट में, पिवट टेबल, हम यहां से सेलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, रेंज प्रोवाइड करना है तो हम किसी भी सेल पर क्लिक कर देंगे और हम करेंगे ओके। हमारा राइट हैंड साइड में पिवट टेबल का बॉक्स या फिर फील्ड इंसर्ट हो चुका है, यहाँ हमें मंथ नज़र आ रहा है, इसे लेके हम फिल्टर में ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे ऑप्शंस में, यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है वो है हमारा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम इसे ओके कर देंगे। लेकिन ओके करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ हमारे सिर्फ दो टैब हैं, मंथ के टैब्स हमें क्रिएट करने हैं, तो जैसे ही हम ओके करेंगे हमारे सारे मंथ्स के टैब क्रिएट हो जाएंगे। जो नेम्स हमने यहाँ टाइप किए हैं मंथ्स के, वही हमारे टैब्स के नेम हो जाएंगे। हम इसे ओके करते हैं और हमारे सारे मंथ के नेम क्रिएट हो चुके हैं। पिवट टेबल को हम क्लोज कर देंगे। हम आएंगे एक्सट्रीम राइट में, हमने जो ये शीट इंसर्ट किया था इसे हम डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हमारे सारे टैब्स या वर्कशीट में पिवट टेबल इंसर्टेड है, तो हम जैन पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और जाएंगे एंड में। हमारे सारे शीट सेलेक्ट हो जाएंगे, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर सेलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे। सारे पिवट टेबल हमारे हट चुके हैं। अब हम जाएंगे व्यू में, शो, और सारे ग्रिड लाइंस को हम रिमूव कर देंगे। हमारे सारे टैब्स इंसर्ट हो चुके हैं। हमारा जो शीट वन है इसका हम रीनेम करके मास्टर शीट कर देते हैं। हम यहाँ कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, हमारी एंट्री होगी जैन से। हम इसे कॉपी करेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी और हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैन पर क्लिक करेंगे और इसके कलर को हम चेंज कर लेंगे। अब हम फेब पर क्लिक करेंगे, माउस को राइट क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक, यहाँ तीन चीज़ें नज़र आएंगी, वेब पेज और फाइल, दिस डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। हम क्लिक करेंगे दिस डॉक्यूमेंट पर और यहाँ से हम फेब सेलेक्ट कर लेंगे ओके। हमारा ये बटन फेब से कनेक्ट हो चुका है, जब हम क्लिक करेंगे फेब पर तो हम फेब के शीट में हैं। हम वापस जाएंगे जैन में, अब हम क्लिक करेंगे मार्च पर, माउस को राइट क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक, यहाँ से हम मार्च सेलेक्ट करेंगे ओके। अप्रैल पर क्लिक करेंगे, माउस को राइट क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक, हम यहाँ से अप्रैल सेलेक्ट करेंगे ओके। और इसी तरीके से हम टोटल टैब्स को कनेक्ट कर लेंगे बटन से। हमारे सारे टैब्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। हम सेलेक्ट करेंगे इसे कंट्रोल सी या कमांड सी और हम इसे फेब में पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे मंथ्स में पेस्ट कर देंगे। हम क्लिक करेंगे जैन पर और इसे भी कनेक्ट कर देंगे। ये हमें सारे टैब्स में करना होगा। हमारे सारे शीट्स इंटरकनेक्ट हो चुके हैं। हम एक काम करेंगे, हमारा जो जैन का टैब है उसे हम सभी जगह रेड कलर कर देंगे, सिर्फ जैन में ब्लैक रखेंगे। फेब के मंथ में हम फेब को ब्लैक कर लेते हैं, मार्च में चलते हैं, जैन को रेड कर देते हैं और मार्च को हम ब्लैक कर लेंगे। ये हम सारे मंथ्स में कर लेंगे। हमारे सारे शीट्स और सारे टैब्स रीकलर हो चुके हैं। हम अगर क्लिक करते हैं जुलाई पर तो हमारा ये जुलाई का ब्लैक नज़र आ रहा है और हम जुलाई के शीट में हैं। जब हम मार्च पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ मार्च ब्लैक नज़र आ रहा है और हम मार्च के शीट में हैं। नवंबर, हम नवंबर के शीट में हैं। जब मैं क्लिक करता हूँ कंसोलिडेटेड पर तो हम कंसोलिडेटेड के शीट पर हैं। कंसोलिडेटेड, हम डेट और डे को डिलीट कर देंगे, हम सेल्स फिगर्स को डिलीट कर देंगे यहाँ से। हम क्लिक करेंगे डाइनिंग सेल्स पर, सीरियल नंबर 1 में प्लस या फिर इक्वल टू, जाएंगे जैन के शीट में और यहां से जैन के सेल पर हम क्लिक करेंगे, प्लस फेब के शीट में जाएंगे, प्लस मार्च, प्लस, और इसी तरीके से हम सारे मंथ्स को इंटरकनेक्ट कर लेंगे। अब हम एंटर हिट करेंगे और हमारे टोटल शीट्स यहाँ पर इंटरकनेक्ट हो चुके हैं। इसे हम ड्रैग कर देंगे, हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इसे एंड तक ड्रैग कर लेते हैं।
अब हम यहां से सिर्फ सेल्स फिगर्स को लेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। एपीसी एपीटी के फॉर्मूला को हम चेंज नहीं करने वाले हैं, नीचे तक ड्रैग कर देंगे। यहां से हम एपीसी या एपीटी का जो फॉर्मूला है उसे कॉपी करके ऊपर में पेस्ट कर देंगे। सेम हम करेंगे तीनों चैनल्स में। टारगेट सेल्स इसको भी हम इंटरकनेक्ट कर लेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू, जैन में जाएंगे, टारगेट सेल्स पर क्लिक करेंगे, प्लस फेब में जाएंगे, टारगेट सेल्स पर क्लिक करेंगे और इसी तरीके से सारे मंथ्स को हम इंटरकनेक्ट कर लेंगे। एंटर हिट करेंगे और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो हमारे सारे फॉर्मूलाज यहाँ इंसर्ट हो चुके हैं और सारे शीट्स भी हमारे यहाँ कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ मंथ की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, ईयर भी डिलीट कर देते हैं, ईयर छोड़ देते हैं, स्टार्ट डेट डिलीट कर देते हैं, एंड डेट डिलीट कर देते हैं, टोटल डेज इसे हम डिलीट करते हैं और सारे शीट्स को इंटरकनेक्ट कर लेते हैं। प्लस जैन, यहाँ से हम टोटल डेज ले लेंगे, प्लस फेब, टोटल डेज, और इसी तरीके से सारे शीट्स को या फिर सारे मंथ्स को हम इंटरकनेक्ट कर लेंगे। एंटर। हमारा यहाँ 372 शो कर रहा है क्योंकि सभी जगह हमने जैन ही सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम यहाँ से मंथ्स चेंज कर देंगे, फेब, हम इसे फेब कर देते हैं, मार्च, अप्रैल, और हम सारे मंथ्स को चेंज कर लेंगे। अब हमारा यहाँ 365 शो कर रहा है। टोटल सैटरडे और संडे को भी हम सेम वे में कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारा DSR या फिर डेली सेल्स रिपोर्ट का फॉर्मेट रेडी है। मैं इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इन केस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन यस्टरडे। थैंक यू।